जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं जमात दी गणित दी किताब दा पाठ दूजा एक चल वाले रेखीय समीकरण अभ्यास नंबर 2.2 ते इस अभ्यास दे आखिरी दो सवाल 7वां 8वां असीं इस वीडियो च करांगे। तुसीं वीडियो नूं बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। हल अपनी नोटबुक विच उतार लो, पर मगरों दी सवालां नूं अपने तौर ते अपने आप भी करन दा अभ्यास जरूर करो। सो शुरू करिए। सो बच्चों, बड़े ही रोचक सवाल ने, उमरां वाले ने। सो सत्तवां सवाल है, कहिंदे 12 साल बाद मैं अपनी 4 साल पहलां दी उम्र दा 3 गुणा होवांगा। सो बच्चों, देखो बुझारतां किस्म दे सवाल है हुंदे ने, बड़े ही रोचक हुंदे ने, ते इन्हां नूं असीं आपस विच दोस्त मित्र रल के खेड दे तौर ते वी खेड सकदे हां। सो इहदे नाल दिमाग जिहड़ा है बड़ा तेज़ हुंदा है, ते गणित दे नाल जिहड़ा साडी रुचि भी जागदी है। सो इह सवाल बहुत ही वधिया हुंदे ने। कहिंदे मेरी वर्तमान उम्र पता करो। सो बच्चों, सवाल नूं बड़े ध्यान दे नाल पढ़ना है, ते उहदे जिहड़े शब्द ने, उह चों जिहड़ी जानकारी दित्ती है उहनूं असीं इदां लिख लैणा है पहले। सो मन लो मेरी वर्तमान उम्र एक्स साल, क्योंकि मेरी वर्तमान उम्र पता करनी है, उह पता नहीं हैगी, ते असीं उहनूं एक्स वाई जेड कुछ मान लैंदे हां। फिर कहिंदे 4 साल पहलां दी गल कीती है ते 12 साल बाद दी गल कीती है। सो 4 साल पहलां मेरी उम्र किन्नी होएगी? जिहड़ी मेरी वर्तमान उम्र है उह चों 4 साल घटा दो। मान लो अज मैं 10 साल दा हाँ, ते 4 साल पहले किन्ने दा होवांगा? 10 और 4 या 6 6 साल होगा। सो इसको असी एक्स कटा 4 साल हो गया, ते 12 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? उस 12 साल जुड़ जाएंगे वर्तमान उम्र से। 12 साल बाद मेरी उम्र कितनी होएगी? एक्स जमा 12 साल। हुण इह कहिंदे 12 साल बाद वाली जिहड़ी उम्र है और 4 साल पहलां वाली उम्र दा 3 गुणा। सो हुण सवाल मुताबक एक्स जमा 12 जिहड़ी 12 साल बाद वाली उम्र है, एक्स कटा 4 4 साल पहलां वाली उम्र दी 3 गुणा। सो ब्रैकेट पा के इत्थे लिख देना 3। बस जे इत्थे तक तुसी ये गल कर ली, समझ ली कि किदां करना है, फिर अगला सवाल ते बच्चों बहुत ही सौखा है। फिर इस ब्रैकेट खोलने ने, चल एक पासे लेके जाने ने, अचल दूजे पासे ले जाने ने, ते हल कर देना। आओ हुण देखिए, एक्स जमा 12 बराबर इन खोलिया 3x हो गया, ते 3 चौके 12 कटा 12 हो गया। हुण चल एक पासे लैंदे एक्स, 3x खब्बे पासे लैंदा, एक्स कटा 3x हो गया, 12 सज्जे पासे लैंदा, कटा 12 कटा 12 हो गया। कटा 12 किन्ना हो गया? कटा 24 हो गया। एक्स चो 3x गया किन्ना हो गया? कटा 2x हो गया। हुण कटा दा निशान दोनों पासे कट गया। सो एक्स की हो जाएगा 24/2, एक्स बराबर 24/2 आ गया 12। हुण एक्स की हैगा? मेरी वर्तमान उम्र जो असी पता करनी सी, भाव मेरी वर्तमान उम्र बराबर 12 साल। सो बच्चा देखो, तरतीब दे नाल पड़ा दर पड़ा सोच विचार के जे सवाल कीता जावे, ते बड़े आराम दे नाल जवाब जिहड़ा है वो आ जांदा है। आओ हुण अगला सवाल देखिए। कहिंदे जिया दी उम्र काव्या दी उम्र दा दुगुणा है, जे काव्या दी उम्र विच्चों 6 साल घटा दित्ते जाण अते जिया दी उम्र विच 4 साल जोड़ दित्ते जाण, तां जिया दी उम्र काव्या दी उम्र दा 4 गुणा हो जाएगी। दोहां दी वर्तमान उम्र पता करो। बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं, एवें वो बस इदा इन्होंने गुंझलां पाई होंदी है कुछ भी नहीं, एक एक करके असीं करांगे। वर्तमान उम्र पता करनी है। सो मान लो काव्या दी वर्तमान उम्र एक्स साल। हुण बच्चों मैं क्यों काव्या दी क्यों लैंदा एक्स साल, मैं जिया दी क्यों नहीं लैंदा? क्योंकि जिया दी उम्र नूं काव्या दी उम्र नाल जोड़िया होया। कहिंदे जिया दी उम्र काव्या दी उम्र दा दुगुणा है। सो जदों असीं सवाल करांगे सानूं तजर्बा हो जाएगा। सो काव्या दी उम्र नूं मैं एक्स मन्नागा, क्योंकि जिया दी दुगुणा है, फिर वह 2x हो जाएगी। मान लो काव्या दी वर्तमान उम्र एक्स साल, सो जिया दी उम्र की हो जाएगी 2x साल। जे मैं जिया दी उम्र नूं एक्स साल लै लैंदा, तो फिर मैनूं इहनूं एक्स बटा 2 करना पैणा सी, ते फिर भिन्नां दे रूप में सवाल गुंझलदार होना सी। जे मैं इहनूं एक्स लै लैंदा, तो इहनूं मैनूं एक्स बटा 2 करना पैणा सी, सवाल उदां भी हो जाणा सीगा, पर उस गलतियां की संभावना है, वह कम औखा है। सो यह बच्चों इदा ध्यान रखना है कि जिहड़ी किसी एक राशि के नाल दूजी राशि जुड़ी हुई है, भी वह तो दुगनी है, उस चार ज्यादा है, उस इन्ने घट है, उन्होंने लेना है, तो फिर उसों घटाना है, जोड़ना है, दुगना करना है, ठीक है। सो काव्या की उम्र का दुगना है ना, सो काव्या की उम्र 1 साल, तो जिया की उम्र कितनी हो जाएगी? काव्या की उम्र का दुगना, सो 2x साल हो गए, ठीक है। हुण कहिंदे काव्या की उम्र चो 6 साल घटाए जाण। सो लो जी लिख लैंदे आपां, काव्या की उम्र चो 6 साल घटाउण ते उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? एक्स कटा 6 साल, यह काव्या की उम्र हैगी है। ते फिर कहिंदे जिया की उम्र 4 साल जोड़ दिते जाण। सो जिया की उम्र 4 साल जोड़न ते उसकी उम्र, हुण जिया की उम्र 2x हैगी है, सो 2x जमा 4 साल हो गई। कहिंदे जे इदां कीता जावे ते काव्या की उम्र
ਜਿਹੜੀ ਜੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਏ ਉਹ ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਏ ਇਹ ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2x+4 ਜੋ ਕਿ ਜੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਏ 4 ਸਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4x+6 ਅਰਥਾਤ 6 ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ x+6 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਸੋ 2x+4 = 4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ x+6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 4 6 ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਿਆ, ਸੋ 2x+4 ਤੇ 4x ਤੇ 4 6 24 = 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 4x ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, 2x+4x ਤੇ 4 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਟਾ 4। ਘਟਾ 24 + 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟਾ 28 ਹੋ ਗਿਆ। 2x+4x ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਘਟਾ 2x ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਾ ਤੇ ਘਟਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਗਏ। ਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, x ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 28/2 = 14। ਹੁਣ x ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਉਮਰ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ x = 14 ਸਾਲ, ਤੇ ਜੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ, 2x ਸੀ। ਸੋ 2x ਬਰਾਬਰ 2 × 14 28 ਸਾਲ। ਸੋ ਜੀਆ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਤੇ ਕਾਵਿਆ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਨੰਬਰ 2.2, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।